उज्जैन में एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। बता दें 25 मई को राहुल गांधी के दौरे को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। जब बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय कपूर, कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत और कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को अरुण यादव गुट के प्रदेश सचिव चेतन यादव ने रास्ते में रोक लिया और अपनी ही पार्टी को पर गंभीर आरोप लगाए। चेतन यादव का कहना है कि कांग्रेस में जुआरी, सटोरिए और शराब माफिया शामिल है। हालांकि प्रदेश सचिव और हकीकत बयां करते हैं, इसके पहले ही संजय कपूर ने चेतन का हाथ पकड़ लिया और जीतू पटवारी ने बोलने से रोक लिया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद अरुण यादव गुट में बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। साहब हमारा तो कोई हम शिकायत कर रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है मंडल सेक्टर को सम्मान के नाम पे बुलाया है और व्यक्तिगत फोटो लगा दिए हैं। जिला शहर कांग्रेस के लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगे, राहुल गांधी जी का लगे, लेकिन व्यक्तिगत कब तक चलेगा ये? जिनकी 5 लोगों के बीच में दारूबाज, सट्टेबाज, दारू बेचने वाले, ये बात मत करो यार। के लिए हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं। जी कमलेश, उज्जैन में एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली, क्या कुछ जानकारी? हाँ, उज्जैन के आगर रोड पर एक मनोरमा गार्डन में एक मीटिंग आयोजित की गई थी 25 मई को। वहाँ पर प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव वगैरह आए थे, ये कपूर जी और राम निवास रावत जी, जीतू पटवारी और इस तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी उपस्थित थे उस समय। और यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिली और मतलब आने के पहले ही रास्ते में उन लोगों को रोक लिया गया। और ये जो प्रदेश सचिव है चेतन यादव जी जी कमलेश, लेकिन यहाँ पे ये भी बात सामने आई है कि संजय कपूर ने चेतन का हाथ पकड़ लिया और जीतू पटवारी ने बोलने से उसे रोक दिया। हाँ बिल्कुल, ये जो वीडियो है उस समय का है कि जब ये लोग मीटिंग में आए उसके पूर्व का है, रास्ते में इनको रोक लिया और उज्जैन में जो जितनी गुटबाजी चल रही है उसके विषय में उन्होंने उनसे चर्चा करी और बातों बातों में ये यहाँ तक बोल गए चेतन यादव की यहाँ कहीं सट्टेबाज है, कहीं दारूबाज लोग हैं, तो उनको बीच में उन्होंने रावत उन्होंने रोका और ये इस प्रकार की बातें ना करें। और इसी कारण बवाल नदी के आसपास के जो ग्रुप थे उसमें जो दूसरे गुट है उनमें आपस में विवाद की स्थिति बन गई थी। और कांग्रेस में से किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इसे लेकर? अभी कांग्रेस के नेताओं से जब हमने चर्चा करनी चाहिए तो बोले हम लोगों को इस वीडियो के विषय में मालूम नहीं है और अभी हमको इस विषय में जानकारी नहीं है, उनका ये कहना पड़ रहा है जी। और जानकारी मिल रही है कि अरुण यादव गुट ने बैठक का बहिष्कार किया है। हाँ बिल्कुल, अरुण यादव से जो जुड़े हुए नेता है चेतन यादव, तो इन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया, ये लोग बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रेमचंद गुड्डू के जो प्रेमचंद गुड्डू और अन्य लोग जो बैठक में शामिल हुए थे वही लोग रहे, वो बाकी ये वाला गुट पूरा उन्होंने इस बैठक को दरकिनार कर दिया।